लोग समस्या को लेकर ही ऐसी जगह जाते हैं, कुछ बातें सुनने गुरुओं के पास या किसी ऐसी जगह जहां कुछ अपने धर्म के बारे में कुछ समझाए, तो ईश्वर के खोज में या कुछ कारण से जाते हैं। लोगों को सत्य नहीं चाहिए, लोगों को सच नहीं चाहिए, लोगों को संघर्ष नहीं चाहिए, वे तो संघर्ष से ही भाग रहे हैं, वे अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, तो उन्हें बस उस परेशानी से छुटकारा चाहिए। सत्य पाने के लिए जो करना पड़ता है वो तो वे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य पाने के लिए एकदम सरल और निर्मल होना पड़ेगा, तो ये कौन करेगा। ऐसे चमकती धमकती संसार में हर जगह चमक ही चमक है बाहर इतना, तो कौन अंदर झांक के देखेगा। तो सब लोग ढोंग ही करते हैं कि हमें सत्य चाहिए, सत्य इतना सरल है कि हमें मिल सकता है, हर इंसान का अधिकार है उस पर, हर लोगों को मिल सकता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बाहर की ये दुनिया जो चमक धमक है, जो हमें दिखाई पड़ता है, उसमें ही हम इतना मग्न है, हम अपने भीतर देख ही नहीं पाते हैं। हमारी अंदर बाहर की तरफ ही आकर्षण ज़्यादा है, तो उस आकर्षण के कारण हम अपने भीतर देख ही नहीं पाते हैं। जब तक हमें बाहर की चीज़ आकर्षण करता है, तब तक हम अपने भीतर झांक के नहीं देख सकते। हम दूसरों को देखते हैं, हम खुद को नहीं देखते हैं। हम दूसरों को भी भीतर से नहीं देख सकते, भीतर से नहीं पहचान सकते। दूसरों का बाहर का जो तौर तरीका है, जो पैसा रुपया है, जो कुछ भी बाहर दिखाई पड़ता है, वही हम देखते हैं। तो हम अपने दुख के कारण हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं, लेकिन हम उस दुख से निकल जाए, कुछ ऐसी उपाय हमें मिल जाए, तो हम वापस लौट जाएंगे। हम इतना संघर्ष नहीं करेंगे कि हम सत्य तक पहुंच जाए। शांति मिल जाए तो हो जाएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम छोड़ेंगे नहीं इस संसार को, इतनी अच्छी चमकती धमकती संसार है, क्यों छोड़ेंगे। हम अपनी हालत में मस्त है, थोड़ा बहुत कभी दुख अशांति पीड़ा महसूस होता है, लेकिन वे भी हम बाहर की दुनिया को देख के फिर भुला देते हैं। तो हम असल में सच को नहीं चाहते हैं, हम अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं। वे दुख इस तरह से मुक्ति चाहते हैं कि हम बाहरी हमें कुछ ऐसा मिल जाए, या ऐसा उत्तर मिल जाए, या ऐसा साधन मिल जाए, ऐसी उपाय मिल जाए कि हम शांति पा सके। हम भीतर जाने की प्रयास नहीं करेंगे, सच को नहीं पाना चाहते। ऐसा बोलिए कि हमें दुखों से मुक्ति चाहिए और इसे संसार से ही चाहिए, हमें सच से नहीं चाहिए, ये हम बोल सकते हैं। सच हमें पता हो गया तो ये जो संसार हमने पकड़ के रखा है, ये छूट जाएगा। इतनी मेहनत से हमने इस संसार को बनाया है, ये तौर तरीका, ये रुपया, ये बहुत चीज़ें हमने बनाए हैं, तो ये छूट जाएगा, सब भ्रम टूट जाएगा। तो सच नहीं चाहिए, बस जो दुख है हमारे पास उससे मुक्ति चाहिए, संसार से ही चाहिए। थोड़ा बहुत जो सच हमें दिखाई पड़ने भी लग गया तो हम भयभीत हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं हमें सच नहीं चाहिए, फिर जीवन का सारा भ्रम टूट जाएगा जो हमने इतना संघर्ष करके मेहनत करके ये बनाए हैं, तो ये सारा भ्रम टूट जाएगा, संसार छूट जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा दुख मिले तो कोई ना, सुख भी तो मिलता है, दुख और सुख दोनों हम झेल लेंगे, पर सत्य को नहीं चाहेंगे, सत्य के पास नहीं जाएंगे, ऐसे ही जी लेंगे जिंदगी।